एक नानक की अरदास जे तुद भावसी मैं दीजे नाम निवास हर गुण गावसी। गुरु रूप प्यारी सतसंगत अज आपां जिस प्रसंग ते गल करनी है बहुत महत्वपूर्ण है। अज दा विशा अरदास दे नाल संबंधित है। बहुत सारे लोग समय समय से परमात्मा दे अगे ये शिकायत करते ने, परमात्मा दे नाल गिला करते ने कि वह अरदास करन दे विच कोई कमी नहीं छड्डदे। वह सतगुर सच्चे पातशाह जी दे अगे समय समय से अरदास बेनती करते ने पर उन्हां दी अरदास नूं बूर नहीं पैंदा, उन्हां दी अरदास नूं फल नहीं पैंदा। अपनी गलबात दा विशा अज यही रहेगा कि साडियां अरदासां सखणियां क्यों रह जांदियां ने, असीं कित्थे कमी छड्ड दिंदे आ, साडे तों कित्थे गलती हो जांदी है। छोटियां छोटियां गलतियां ने जे आपां उन्हां नूं मनफी कर दईए, उन्हां नूं पूर दईए तां अपनियां अरदासां सखणियां नहीं जाणगियां, अपनियां अरदासां नूं फल पवेगा, बूर पवेगा। यही अज दा अपना विशा है। गुरु रूप प्यारी सात संगत इस गल विच तां किसे नूं कोई शुभा शिकवा नहीं कि रब इस कायनात दा मालक है, परमात्मा इस दुनिया दा, इस कुदरत दा सरजनहार है। विद्वान लोग इसे करके कहिंदे ने कि सानू अरदासां वध तो वध करनियां चाहीदियां ने, सानू अरदासां ही करदे रहना चाहीदा। साडियां अरदासां नूं फल पवे, बूर पवे ना पवे, इस दे नाल सानू कोई मतलब नहीं होना चाहिए। साडा मतलब यह है कि असीं अरदासां करदे रहिए क्योंकि परमात्मा ने सब कुछ सिरजिया है, उहदे घर विच किसी भी चीज़ की कमी नहीं। जदों उसका मन खुश हो गया उसने इक्को पल दे विच, इक्को छिन दे विच सारियां अरदासां पूर देनियां ने। फिर साडे मन विच ये मलाह ना रह जावे, ये चिंता ना रह जावे कि मैं परमात्मा दे अगे फलानी मंग नहीं रखी। इस करके सानू परमात्मा दे अगों मंगा मंगण विच चड़ी ला देनी चाहीदी है। जिस तरह एक बच्चा अपने प्यो दे नाल मेले दे विच जाके हर कोई शाय जिहड़ी चंगी लगती है उहदे वल उंगल करदा रहिंदा ना कि मैनू बापू आह भी लै दे, मैनू आह भी लै दे, पर बापू नूं पता ना बच्चे लई किहड़ी चीज़ चंगी आ किहड़ी माड़ी है, उन्नियां को लै दिंदा, कदी खुश होवे तां सारियां वी लै दिंदा। इस तरह उस परमात्मा नूं बापू मन के आपां उस दे अगे अरदासां दी चड़ी ला देनी है कि मेरा आ काम भी पूर दे, ओह भी कर दे। पर कुछ सलीके भी ने, कुछ तरीके भी ने, कुछ नियम भी ने, उन्हां नूं भी ख्याल विच रखना बड़ा जरूरी है अरदास करदे वेले। अज दे युग विच बहुते लोग परमात्मा नाल शुभा शुकवे करदे ने, कदी किसी गल दा शुकराना नहीं करदे। सब तो पहला तो यह समझना बड़ा जरूरी है कि रब वो है जिसने सानू जिसम बख्शिया है, जिसने सानू जान बख्शी है, सानू वधिया घर बार परिवार वाले दिते ने, माँ बाप दिता है, बीवी बच्चे दिते ने। फिर गल तो शुकराने तो शुरू होनी चाहिए है ना। परमात्मा ने सानू ये सारा कुछ बिना अपने किसी निज दे, बिना किसी स्वार्थ दे दिता। आपां परमात्मा नाल नाराज हो जाने, वह तो नाराज नहीं हुंदा, वह हर एक नूं ही दिंदा। तुसीं चाहे परमात्मा दे उपासक हो चाहे नहीं हो, बेशक तुसीं उसनूं चंगा भी नहीं समझते, कुछ लोग इहो जिहे भी ने, पर फिर भी वह दिंदा ता उम्र दिंदा रहिंदा, निरंतर दिंदा। ये जिहड़ी साहां दी डोर है ये भी तो परमात्मा की दित्ती हुई है, पर आपां ना शुक्रे हो गए। आपां परमात्मा दे नाल नाराजगी जाहिर कर लैंदे आ, वह कदे नहीं करदा। आपां कई बार परमात्मा तो निराश हो जाने, वह साडे नाल निराश नहीं हुंदा कदी। इस तरह तो नहीं, आपां तां कह दिंदे आ कि मैं तेरे नाल नाराज हाँ, तू मेरी मंग नहीं पूरी होनी, मैं पाठ नहीं करना, मैं गुरद्वारा साहब नहीं जाना। बहुत सारे लोग साडे विचों इहो जिहे ने जदों सच्ची परमात्मा दे नाल नाराज हो जाते हैं, इस तरह दीयां गल्लां असल विच करदे ने, पर उन्हें कदी नहीं ये गल कही। कदी होया कि वह नाराज होया विच उसने क्या इस तरह क्या होवे कि हुण मैं 2 घंटे तैनूं साह नहीं देना, 2 घंटे लई तेरी आक्सीजन बंद कर देना। क्योंकि जे उसने इस तरह करना, जिस तरह एक मनुखी वतीरा है, जे उसने इस तरह करना शुरू कर दिता तां शाम तक पौनी कायनात समाप्त हो जाएगी। परमात्मा दे विच ताकत इन्नी कै कि जेकर सारी दुनिया एक पासे इकट्ठी हो जाए, सारी आदम जात तुहाडे पक्ष विच इकट्ठी हो जाए, तो यह कह दे कि ता उमरन तुहाडे वल काम करनगे, तुहाडे लई काम करनगे, ते जिन्ना फायदा उह सारी उम्र तुहाडे नाल काम करके तुहानू पहुँचा सकदे ने उदों कई गुणा ज़्यादा। जे परमात्मा की निगाह सवली हो जाए तो एक मिनट विच तुहाडी हर एक मंग पूरी करके वह तुहाडा फायदा उस आदम जात दे कट तों वी किते ज़्यादा करवा सकदा है। ये ताकत है परमात्मा की। बहुत सारे विद्वानों का यह मनना है, एक ख्याल है कि सानू हर छोटी तो छोटी गल के उत्ते भी परमात्मा नूं याद कर लेना चाहिए है, परमात्मा का शुकराना कर लेना चाहिए है। उन्हों वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद ने जो हर गलती उन्होंने याद करते हैं।
जिहड़े हर छोटी तो छोटी प्राप्ति ते परमात्मा दा शुकराना करदे ने, उहदा शुक्रिया करदे ने, उह लोकां नूं उह बहुत नेड़े महसूस करदा है, उहनां दी अरदासां बहुत जल्दी कबूलदा है। उह किहड़ी गल है जिहड़ी आपां अरदास विच शामिल कर लईए? चलो जिहड़े रब दे नेड़े ने उहदियां तां अरदासां उहने कबूलणियां ने, पर हर एक इनसान जिहड़े मेरे वर्गे ने परमात्मा तों दूर ने, उहनां दी अरदास फिर उह किवें कबूलेगा? सियाणे लोक विद्वान पुरश इह सलाह दिंदे ने कि परमात्मा दे अगे अरदास करन लग्गिआं सिद्धां सिद्धियां मंगां ना परमात्मा दे अगे रख लिया करो। परमात्मा दे अगे पहलां परमात्मा नूं मंग लिया करो, परमात्मा नूं मंगण दी बेनती जोधरी करिया करो। उहनूं कहा करो कि परमात्मा मैनूं अपने चरणां दे नाल ला के रखी, मैनूं मुख ना मुड़न दे, मैं बहुत सारियां गलतियां करदा हाँ, तू बख्शनहार है, तू बख्श लै, मैं गलतियां करन दे बावजूद भी मैनूं इत्थे रखी कि मैं तेरे चरणां दे नाल जिहड़ा मेरा प्रेम है वह मेरा कटे ना, मैनूं परमात्मा समत बख्शी, मैनूं परमात्मा अकल बख्शी, मेरे हत्थां नूं ताकत बख्शी कि मैं लोकां दी भलाई लई काम कर सकां, मेरे हत्थां नूं ताकत बख्शी कि मैं चंगे काम कर सकां। इस तों बाद विच अपनियां मंगां परमात्मा दे अगे एक एक करके रखो। सियाणे पुरश इह सलाह वी दिंदे ने कि हर काम दे नियम ने, कुछ रूल ने, कुछ सलीके ने। वह कहिंदे ने कि जेकर तुसीं किसी प्रधान मंत्री नूं मिलन जाणा है जां किसी मुख मंत्री नूं, चलो मुख मंत्री भी छड्ड दिओ, किसी भी किस्म दे तुसीं नेता नूं मिलदे हो, किसी साधारण MLA नूं मिल जाने हो, तुसीं चंगे कपड़े पा के जाने हो, सलीके नाल अदब नाल पेश आउंदे हो, बिल्कुल उस तरीके नाल जदों तुसीं इस ब्रह्मंड दे मालक नाल गलबात करनी है, इस कायनात दे सृजनहार नाल गलबात करनी है, उदों भी कुछ सलीके कुछ तरीके वह तुसीं अपना के फिर उहदे नाल राबता कायम करिया करो। इसलिए वह यही सलाह दिंदे ने कि हमेशा तुसीं नहा धो के चंगे साफ बस्तर पहन के फिर परमात्मा दे अगे अपना नितनेम करो, फिर परमात्मा दे अगे अपनियां अरदासां बेनतियां करो। परमात्मा बहुत जल्द कबूल कर लैंदे ने। उठते बहिंदे सारा दिन तां इह काम तुसीं जिहड़ी हालात विच मर्जी कर सकदे हो, पर एक खास समां भी नियमित करो कि उस वेले परमात्मा दे अगे अरदासां करनियां ने। इसलिए बहुत सारे लोग यह भी मानते हैं कि अमृत वेले की कीती हुई अरदास विच सब तो ज़्यादा ताकत होंदी है, अमृत वेले कीती हुई अरदास सब तो जल्दी पूर्ण होंदी है। इस करके अमृत वेले उठना लाजमी बना लो, नितनेम करना लाजमी कर लो, तो नितनेम उपरंत जिहड़ी अरदास है उहदे विच हर एक वह मंग रख सकते हैं जिसकी सानू सख्त जरूरत है, उसकी पूर्ति परमात्मा सब तो पहला करनगे, पहल के आधार पर करनगे। सो यही कुछ तरीके ने, यही कुछ ढंग ने कि परमात्मा साडियां अरदासां नूं बूर पाउण, फल पाउण, जल्द तो जल्द पूरियां करना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।